धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चुगली निंदा बुराइयां अगर करनी है तो खुद की करके देखो तो सही, लेकिन इतनी हिम्मत किस में होती है कि वो अपनी बुराइयां दूसरों को बताए? होती है तो कोई भगत योद्धा या मालिक के प्यारे की, जैसे कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोय। कहना तो आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कहने को तो आप कह सकते हो मैं सबसे बुरा हूं भाई, लेकिन मान लिया, जिसने ये मान लिया कि नहीं मेरे में कोई गुण नहीं, मेरा भगवान अल्लाह वाहिगुरु ही मुझे तरक्की देता है, मुझे खुशियां देता है, तो उसका नॉन स्टॉप रहमत हमेशा बरसती रहती है, कहीं स्टॉप होता ही नहीं, खुशियां खुशियां बरकतें ही बरकतें उसकी झोली में आती रहती हैं। पर जब कर लिया घमंड कि ये तो मैंने किया, वो तो मैंने किया, ये तो मैं कर रहा हूं, तो फिर मैं पल्ले रह जाती है और कुछ हासिल नहीं होता। तो भाई अपनी मैं को मार डालो। अगर उस भगवान को देखना है, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से मुलाकात करनी है, तो अपने बुरे विचारों को त्याग दो। कई लोग किसी से जुड़े होते हैं, किसी बड़े पदवी वाले से, किसी पैसे वाले से। इंसान मालिक की आजाद जून होते हुए भी वो उनकी ही गुलामी करते हैं, पशुओं को गुलामी करते देखा है, क्योंकि उनके कर्म हैं। पर इंसान किसी की गुलामी करे, ये समझ से परे है, क्योंकि मालिक ने तो खुद मुख्तियार बना के भेजा, मालिक ने तो दया में रहमत की कृपा करके भेजा, तो इसलिए आप प्रभु का परमात्मा का नाम जपा करो, खुद मुख्तियार हो, आजाद हो, किसी की गुलामी करके अच्छे कामों को ठुकराया मत करो। अगर आप अच्छे कर्म करो, प्रभु के नाम का जाप करो, तो यकीनन उसकी तमाम खुशियां आपको मिले। पर जिस तरह से चींटी जो होती है वो तरेड़ ढूंढती है, उसी तरह कई लोग बुराई के लिए देखते हैं, बुराई का साथ देते हैं, उनकी खुद की जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।